नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज की मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम बुध का राशि परिवर्तन यानी बुध के गोचर के खास कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए वाणी कारक, बुद्धि कारक, व्यापार कारक और मैनेजमेंट कारक ग्रह बुध जो है 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि में बुध जो होता है ये नीच का होता है। हालांकि देखिए बुध जब मीन राशि में रहेंगे तो बुध के साथ 9 तारीख तक शुक्र भी विराजमान रहेंगे। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं तो बुध के साथ निश्चित तौर पर नीच भंग राज्यों की स्थिति तो बनेगी और साथ में जब बुध और शुक्र जब साथ में बैठता है तो लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होती है। 14 तारीख तक बुध के साथ सूर्य भी बैठे हुए हैं और इस नीच भंग राज्य बनने के बाद भी कोई विशेष फर्क जो है बुध के ऊपर नहीं पड़ेगा क्योंकि बुध जो है अस्तगत है यानी अस्त है। अब यहां पे नक्षत्रों की स्थिति की भी बात कर लेते हैं तो 1 तारीख से 9 तारीख के मध्य में बुध जो है उत्तराबाधपद नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी शनि है और शनि और बुध का तालमेल बढ़िया है। 9 तारीख से 16 तारीख के मध्य में ये रेवती नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी बुध है यानी खुद अपने नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन फिर भी यह बुध का नीचस्थ होना किस किस क्षेत्र वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा पहले इस चीजों को समझिएगा। मैंने कहा जब कोई ग्रह नीच का होगा तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा शुभ नहीं पड़ता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, जो भी व्यक्ति सुपरवाइजर के क्षेत्र में है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड व्यापार या नौकरी से रिलेटेड क्षेत्र में है, फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र में है, बड़े बड़े कंपनी के जो प्लानिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति कला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मैनेजमेंट यानी MBA से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, संगीतकार है, कलाकार है या फिर वक्ता या प्रवक्ता है, आप लोगों के लिए यह बुध का नीच का होना थोड़ा सा संघर्षमयी और थोड़ा सा निश्चित तौर पर स्ट्रगल कराएगा। इसके अलावा बुध बुद्धि और वाणी के कारक है तो जब बुध नीच का हो रहा है तो आपको अपने बुद्धि और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए हर लग्न और हर राशि वाले को 16 तारीख तक। इसके अलावा जो भी व्यक्ति प्रकाशक हैं, वाहन या वकालत से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों को मैं पर्सनली यही सलाह दूंगा कि किसी भी सूरत में 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक अपने हर क्षेत्रों में कंट्रोल करना चाहिए, आपको नियंत्रण करना चाहिए, खास करके गलत जगह पे बुद्धि नहीं लगाना है और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। ऐसी स्थितियों में बुध का नीचस्थ प्रभाव उतना ज्यादा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम देखिए मेष लग्न वाले अगर आपकी चर्चा में करना चाहूं तो जब बुध निचस्त हो जाएगा तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएगा। जब द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएगा तो मानसिक चेतना को बढ़ाने वाला रहेगा, अस्थिरता मन में देगा, रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है, हेल्थ इश्यू थोड़ा दे सकता है, कर्ज की स्थितियों में वृद्धि कर सकता है, साथ में मानसिक तनाव की स्थितियों भी उत्पन्न कर सकता है और इसके अलावा जो है रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे या किसी प्रकार का टेंडर या सरकारी काम काज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लोगों से विवाद की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में जो है आपको जो है कहीं ना तो कहीं 16 अप्रैल तक सावधान रहना चाहिए मेष लग्न और मेष राशि वाले। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी मैं बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति विदेशों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो भी व्यक्ति ब्याज पे पैसे लगाते हैं या जो इंश्योरेंस रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए 16 तारीख तक विशेष सावधानी रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार के कानून लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अगर विदेशों से एक्सपोर्ट इनपोर्ट का काम चलता है तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और मानसिक शांति निश्चित तौर पर बना के रखना चाहिए मेष लग्न और मेष राशि वाले। अगर मैं आपकी बात करना चाहूं कि उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए तो मैं यही बोलूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य में कंटिन्यू गणेश चालीसा का पाठ करिए, मानसिक शांति बना करके रखिए, वाणी पे नियंत्रण रखिए, लव रिलेशन पे विशेष फोकस करके रखिए और किसी भी स्थितियों में जो है कम से कम ही धन व्यय करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि निचस्त बुध कहीं पे गलत जगह पे धन का व्यय करा सकता है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले,
अगर बुध का राशि परिवर्तन की बात करें, निचस्त बुध आपके लिए क्या लाभकारी है और क्या नुकसानकारी है, पहले इस चीज को समझना चाहिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, निचस्त बुध आपकी कुंडली में वाणी का भी और पांचवें घर यानी बुद्धि के भी अधिपति हैं और मालिक भी हैं कुंडली में। हालांकि देखिए कारक तत्व तो भी होते हैं, तो आय स्थान का बुध जो है आय स्थान में नीच अवस्था में बैठा हुआ है। अब इस स्थितियों में देखिए आपको क्या करने वाला है, ये आय में थोड़ा कमी करेगा, बड़े भाई बहनों से थोड़े से तालमेल में आय स्थिरता उत्पन्न करेगा, पारिवारिक मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं पे अत्यधिक धन का व्यय करा सकता है, तो आपको इस स्थितियों में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि जो व्यक्ति विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं उसके लिए लाभकारी रहेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में भाई से अलग होकर सेपरेटेड कोई बिजनेस करना चाहते थे उसके लिए तो ये लाभकारी रहेगा। कभी कभी अशुभता में भी शुभता छुपी होती है, ऐसा सामाजिकता देखा गया है। हालांकि देखिए बुध वाणी के कारक है तो कुछ मित्रों से मतभेद हो सकता है, लव रिलेशन में आय स्थिरताएं और कठोरता बढ़ सकती है, साथ में नौकरी में या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और किसी भी हाल में जो है आपको अपनी महत्वपूर्ण और निजी बातें दूसरों से 1 तारीख से 16 तारीख के मध्य में शेयर नहीं करना है। पंचम भाव के अधिपति हैं, हालांकि बुध का सातवां दृष्टि पांचवें घर पे पड़ेगा जो लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में लाभ तो देगा, वाणी पर नियंत्रण करते हैं तो लव रिलेशन में सुधार होगा, संतान की तरक्की के भी रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे, लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार मैंने पहले भी बोला है कि इनकम की प्राप्ति नहीं होगी। जो ऑलरेडी संतान कंसीव किए हुए हैं उनके लिए थोड़ी से कष्ट की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, थोड़ी तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, संतान के फ्यूचर को लेकर जो चिंतित हैं उसमें थोड़ी सी तरक्की के रास्ते दिखेंगे, लेकिन पूर्णता मन चाह तरक्की के रास्ते नहीं दिखेंगे क्योंकि संघर्षमय समय रहेगा। फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि बुध के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो 1 तारीख से 16 तारीख के मध्य में कंटिन्यू गणेश जी को जो है दूब की घास अवश्य चढ़ाइए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी बुध के गोचर यानी राशि परिवर्तन की बात करें तो निचस्त बुध आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएगा, कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएगा तो पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब कर सकता है, किसी न किसी कारण से बॉस से आय स्थिरताएं या फिर वैचारिक मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है, तो आपको अपने बॉस से सीनियर से मतभेद नहीं करना है। हालांकि इसके एक प्लस पॉइंट भी है, भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड लाभ मिलेगा, माता का स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां चल रही थी इसमें निश्चित तौर पर सुधार देखने को मिलेंगे, लेकिन लग्नेश अगर नीच का हो जाता है तो महत्वपूर्ण फैसले में कुछ कठिनाइयां होती हैं, इंसान अपने जीवन में सम्मान को खोने लगता है और साथ में कुछ गलत डिसीजन भी होते हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य में किसी भी हाल में अब अपने डिसीजन पे कायम रहिएगा और कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो समय को पार करने का कोशिश आवश्यक तौर पर करिएगा। हालांकि यह बुध का राशि परिवर्तन आपको सरकारी कर्म क्षेत्र वाले लोगों से थोड़े मतभेद करा सकता है, नए नौकरियों की अपॉर्चुनिटी में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लव रिलेशन में थोड़ी आय स्थिरता उत्पन्न कर सकता है और छोटे भाई बहनों से थोड़े मतभेद की स्थितियों को डेवलप कर सकता है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, अपने बुद्धि और वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो यह बुध का राशि परिवर्तन मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले के लिए आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। फिर भी बुध के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि निचस्त बुध को बल मिले, इसके फल में थोड़ी सी वृद्धि हो, तो 1 तारीख से 16 तारीख तक कंटिन्यू जो है आप गणेश जी को जो है सोप या फिर जो है इलायची का भोग लगाइए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, 1 तारीख से 16 तारीख के मध्य में जब बुध निचस्त होंगे तो आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे भाग्य उन्नति और पदोन्नति में बाधा उत्पन्न करेगा। ये विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, कर्ज के योग में वृद्धि कर सकता है, व्यर्थ के पैसे कहीं खर्च करा सकता है या दूसरों के लिटिगेशन के चक्कर में आप परेशान हो सकते हैं। अतः मैं यही बोलूंगा कि आपको बहुत ही सावधानी अपने आप पे रखनी चाहिए। हालांकि बुध का सातवां दृष्टि खुद की अपनी राशि पे जाएगा जो सरकार के कर्म क्षेत्रों वालों से कुछ लाभ मिलेंगे, भाई बहनों से तालमेल में थोड़ी सी लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंट और पराक्रम में वृद्धि होगा, पुराने रुके हुए शिक्षा में ये सफलता की प्राप्ति करवाना चाहेगा, लेकिन जो व्यक्ति को प्रमोशन का इंतजार था, जो व्यक्ति चाह रहे थे उसके सीनियर उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट कर दे, ऐसा संभव नहीं दिख पा रहा है। इसके अलावा जो है आपके पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी खराबियां देखने को मिल सकती हैं, नेत्र संबंधित पेट संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकता है, लव रिलेशन को भी बचा करके रखना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो भी है आपको बहुत ही सावधानी से अपने धन का व्यय करना पड़ेगा। मैं यही बोलूंगा कि ऐसी स्थितियों में
गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन उत्पन्न होंगे कि गलत जगह पे कोई इन्वेस्ट करा सकता है। फिर भी अगर बुध के बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, एक ही उपाय करिए, 1 तारीख से 16 तारीख के मध्य में आप गणेश जी को पान के पत्ते का भोग लगा दीजिए। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे, और आपके कुंडली में बुध धन के भी मालिक हैं और आय के भी मालिक हैं, और बैठा हुआ कहाँ है, 8वें घर में, जो सबसे अशुभ स्थिति में। मैं मानता हूं 9 अप्रैल तक नीच भंग राजयोग की स्थिति है, लेकिन इस चीज को भी आपको मानना पड़ेगा क्योंकि बुध जो है अस्तगत भी है और निचस्त तो है ही। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जब बुध निश्चित तौर पर अष्टमेश हो जाएंगे तो एक पक्ष में आपको लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। जैसे कि क्या है कि जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, तनाव दे रहे थे, उनसे बचने की संभावना है। जो व्यक्ति इलीगल रिलेशनशिप में थे, गलत रिलेशनशिप में थे, आपको किसी भी सूरत में रिलेशनशिप को तोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो किसी कारण से आप फंस सकते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो है आय स्थान के अधिपति होने के कारण बहुत ही ज्यादा यह धन का व्यय कराएगा, पिता से मतभेद करा सकता है, मेंटल टेंशन दे सकता है, एक्साइटमेंट में आकर के गुप्त बातें दूसरों सब शेयर कर दीजिएगा और बाद में वही खतरा का कारण बनेगा। तो 1 से 16 तारीख के मध्य में आपको इस चीजों पर विशेष ध्यान देना है। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद की से रिलेटेड संभावनाएं, संपत्ति खरीद बिक्री से रिलेटेड कुछ समस्याएं आएंगी, तो आपको इसमें विशेष फोकस करना पड़ेगा और सामने वाले से आपको बहुत ही नियंत्रण पूर्वक बात करना पड़ेगा। हालांकि बुध आपकी कुंडली में वाणी के कारक हैं, जहां पे स्वयं अपनी राशि को ये देख रहा है, तो किसी लोगों से संपर्क करना है, कैसे बात करना है, ये अनुभूति तो होगा, लेकिन लोग हो सकता है कि भावुकता बस आप दूसरे को ज्यादा पैसे का व्यय कर दे। पैर में कष्ट, पेट की समस्या और ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां निश्चित तौर पर दिख रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि 1 तारीख से 16 तारीख के मध्य में किसी प्रकार का कोई प्रूफ मत छोड़िएगा, ना कोई गलती कीजिएगा, ना तो कानूनी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ बाधाएं दिखेंगे, नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते तो उससे रिलेटेड तनाव की स्थितियां दिखेंगे। आपको 16 तारीख तक समय पार करना है तो करना है, मैं फाइनली डिसीजन देता हूं। फिर भी बुध के बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी के झांसे में आकर के कहीं जाना नहीं है, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है और गणेश चालीसा का पाठ करना है। कन्या लग्न और कन्या राशि वाले, बुध तो आपकी कुंडली में स्वयं जो है वो लग्नेश ही है, और जब लग्नेश और कर्मेश निचस्त हो जाए, वो भी 7वें घर में, तो निश्चित तौर पे संघर्ष करा सकता है आपको। वैवाहिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य को खराब करेगा, आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र का अधिपति होने के कारण जो है, अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, हड़बड़ी नहीं करते हैं, सोच ऊंची रखते हैं, तो आपके सीनियर या आपके पिता से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा जो है लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है निश्चित तौर पे सम्मान की थोड़ी प्राप्ति होगी, बुद्धि में विनम्रता और विकास होगा, संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लेकिन जो महिलाएं कंसीव की हुई थी या पेट से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड समस्याओं से परेशान थे, आपकी समस्याएं निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, खुजली की समस्याएं निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो है जो व्यक्ति को पिता से तालमेल में खराबियां चल रही थी या फिर व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे, उसमें थोड़ी सी संघर्ष की संभावनाएं दिखेंगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा स्थापित, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार द्वारा नमूनित होइएगा कि कुछ न कुछ आपको सम्मान मिल सकता है, लेकिन मिलने की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। मन चाहे वैवाहिक रिश्ता आते आते टलने की संभावनाएं हो जाएंगी, और साथ में जो है अगर आप सावधानी पूर्वक यात्रा नहीं करते हैं तो हल्का फुल्का चोट चपाट की संभावनाएं बन सकती हैं। मैं यही बोलूंगा आपको कन्या लग्न और कन्या राशि वाले, किसी भी हाल में जो है आपको कैसी भी स्थिति में 16 तारीख तक सावधान की स्थितियों में रहना है, साझा व्यापार में भी बच करके रहना है, और नौकरी में कोई फंसा सकता है या बदनाम कर सकता है, आपको इसमें भी बच करके रहना है। फिर भी बुध केवल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कन्या लग्न और कन्या राशि वाले कि आप गणेश चालीसा का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ कंटिन्यू 16 अप्रैल तक करिए। तुला लग्न और तुला राशि वाले, अगर आपके बुध के राशि परिवर्तन की बात करें तो देखिए, जब बुध निचस्त हो जाएगा तो आपके कुंडली के 6वें घर में विराजमान हो जाएगा, और तुला लग्न के लॉर्ड शुक्र होते हैं और बुध और शुक्र का तालमेल अच्छा, और साथ में शुक्र ही नहीं बुध जो है आपके कुंडली में भाग्यश भी है। तो ऐसी स्थितियों में देखिए क्या होगा, 6वें घर का बुध जो है कर्ज की स्थितियों को बढ़ाएगा, गलत डिसीजन की ओर ले जाएगा, मानसिक तनाव देगा, मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, लव रिलेशन को खराब करेगा, और साथ में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और वाणी से रिलेटेड कष्ट की समस्याओं को उत्पन्न करेगा, क्योंकि बुध जो है नीच अवस्था में है। फिर भी देखिए 9 अप्रैल तक नीच भंग राजयोग रहेगा, कम से कम 9 से 16 तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये थोड़ा सा क्या कर सकता है आपको कि
पदोन्नति या प्रमोशन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, बड़े कंसाइनमेंट हाथ से निकल सकते हैं या प्रमोशन से रिलेटेड बॉस से मतभेद हो सकता है। पहले ही बोला हूं बुध के चक्कर में वाणी खराब होती है, तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। हालांकि देखिए बुध का राशि परिवर्तन जब होगा तुला लग्न तुला राशि वाले, तो इसके एक पक्ष में लाभ है। अचानक इतने प्रेशर कर्ज के जो आपके बनेंगे तो आप निश्चित तौर पर कर्ज मुक्ति करेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बन सकती हैं, लेकिन आपको दूसरों के झांसे में आकर के गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर देना है। ये क्या कर सकता है, थोड़े सिर दर्द की समस्या है, पैरों में कष्ट दे सकता है, तो किसी भी सिचुएशन में अपने पैर और सिर दर्द की स्थितियों को ठीक रखना है। साथ में जो है दांपत्य जीवन में आपको सावधान रहना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि आपको किसी भी सिचुएशन में अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बुध के फल को चाहते हैं कि थोड़ा कम, अशुभ फल को कम करें, तो एक ही उपाय है कि 1 तारीख से 16 तारीख के मध्य में अगर आप जो है गणेश जी को किशमिश का भोग लगा देते हैं तो लाभकारी स्थितियों में आप आ जाइएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए बुध का राशि परिवर्तन की बात करें तो देखिए जब बुध राशि को परिवर्तित करेगा तो नीच अवस्था के आपके कुंडली के 5वें घर में विराजमान हो जाएगा। जब ये 5वें घर में विराजमान हो जाएगा तो यहाँ पे तो रहेगा ही नीच का ही, तो ये आपको लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान देने की संभावनाओं को उत्पन्न करेगा, तो आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए 16 अप्रैल तक। आपके संतान से मतभेद करा सकता है, आपको ऐसे सिचुएशन में सावधान रहना पड़ेगा। लव रिलेशन में जो है आप और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में तीसरे के कारण जो है कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन को खराब करता है, तो आपको सावधान रहना है। जो शिक्षा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में या जिनकी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं आई है 16 अप्रैल तक बहुत ही कष्टकारी समय रहेगा, सावधान रहना है। पाचन शक्ति को भी डिस्टर्ब करेगा बुध, और साथ में जो है आपके जीवन में पेट संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है, तो किसी भी सिचुएशन में 16 तारीख तक बचकर करना है, क्योंकि निचस्त कोई भी ग्रह कभी भी सुफलदायी नहीं होता है। 8वें घर के अधिपति होने के कारण ये पैरों में भी कष्ट देगा, ससुराल पक्ष से भी मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, बदनामी को फैला सकता है, नौकरी में अपवाद की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। अब व्यापार में जो है या बड़ा काम में किसी को घूस दीजिएगा वो पैसा डूबने की संभावना हो सकती है, तो मैं यही बोलूंगा कि कोई भी सरकारी ठीका वगैरह से सावधान रहिएगा, 16 तारीख तक घूस वगैरह मत दीजिएगा, उल्टा फंस जाने की संभावनाएं रहेंगी। और जहां आप सावधान नहीं रहे और जहां भावुकता दिखाए तो केस मुकदमा भी हो सकता है, तो आपको 16 तारीख तक किसी भी सिचुएशन में बचकर के रहना है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, अब ये मत बोलिएगा कि मैं डरा रहा हूं, हालांकि इसका एक गुड न्यूज भी देखिए क्या है, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार होंगे, कहीं पैसे थोड़े से निकल जाएंगे, और विदेश यात्राओं से रिलेटेड या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। फिर भी चाहते हैं कि बुध के बल को और ही बहुत ही अच्छा बनाना वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, तो 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य में आप दुर्गा जी को कंटिन्यू लाल पुष्प चढ़ाइए, अगर लाल गुलाब चढ़ा सकते हैं तो इसका तो फल अत्यधिक उत्तम ही होता है। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब बुध का गोचर में राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर यह विराजमान हो जाएगा। जब ये चतुर्थ स्थान पर विराजमान हो जाएगा तो निश्चित तौर पर समझिए कि ये आपके माता का स्वास्थ्य को खराब करेगा, प्रॉपर्टी विवाद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, सम्मान में कमी करेगा, मेंटल टेंशन देगा, कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं या किसी को ब्याज पे दिए हैं तो डूबने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो किसी भी सिचुएशन में आपको 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ऐसी सिचुएशन में आपको बचकर रहना चाहिए। हालांकि देखिए कर्म क्षेत्रों से बुध अपनी स्वयं की राशि कन्या को देख रहा है, जो आपके पिता से और बॉस से तालमेल में सुधार करेगा, नए नौकरी या व्यापार की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगा, लेकिन ऑलरेडी जो आप कमा करके रखें या किसी को पैसे दिए हैं या देने वाले हैं तो उसमें तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जहां ये नीचे का उसके फल को खराब करेगा ही करेगा ना। इसके अलावा बुध जो आपकी कुंडली में सप्तमेश भी है तो विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते नहीं आएंगे, हो सकता है कोई रिश्ता आता भी है और आपको पसंद भी आता है तो हो सकता है उसमें विवाद या परेशानी उत्पन्न हो जाए। साझा व्यापार हो या नौकरी में किसी प्रकार का लिटिगेशन हो, इन दोनों में परेशानियों के योग बन सकते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य डिस्टर्ब रहेगा, किसी कारण से आपके और आपके पत्नी के मध्य में बड़ा मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है निचस्त बुध। ऐसे देखिए मैं तो बोलता हूं कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में सावधान रहिए, कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो नहीं देता है बढ़िया फल। इसके अलावा जो है बुध आपकी कुंडली में जो है कुछ तथ्यों के लिए लाभकारी है, जैसे बहुत दिनों से जो नौकरी का प्रयास कर रहे थे उनके लिए ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों से जो है समझ लीजिए किसी के प्रॉपर्टी में डीलिंग या दलाली से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे तो इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। फिर भी बुध के बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं धनु लगन और धनु राशि वाले, तो एक ही उपाय बोलूंगा कि 1 तारीख से 16 अप्रैल के मध्य में आप कंटिन्यू दुर्गा जी को जो है या तो आप हरा चना का भोग लगा दीजिए फुला करके, और नहीं तो फिर सफेद पुष्प चढ़ा दीजिएगा।
मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के तीसरे घर में आएंगे और तीसरे भाव के कारक तत्व तो होते हैं बुध, लेकिन बुध तो नीच के हैं। अब यहां पे बुध आपकी कुंडली में भाग्य के भी अधिपति हैं और रोगस्थान के भी अधिपति हैं, तो ये क्या करेगा, सर्वप्रथम आपकी वाणी के नियंत्रण को खराब करेगा, सरकारी कर्म क्षेत्र वाले लोगों से, रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियों को बढ़ाएगा। इसके अलावा आपके माता के या माता से मतभेद की स्थितियों को खराब करेगा और माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। इसके अलावा बुध आपकी कुंडली में जो है भाग्य स्थान के अधिपति हैं, तो ये सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा, जो आपको लंबी प्लानिंग, पदोन्नति और प्रमोशन, इसके अलावा जो है बहुत से रिश्तों में सुधार लाएगा। लेकिन देखिए बुध छठे घर के अधिपति है, इसके तीन चार तथ्य में ये परेशानी उत्पन्न करेगा। जैसे सबसे पहले क्या करेगा कि ये पैर और पेट में कष्ट देगा, आपके शत्रुता को ये बढ़ाने वाला रहेगा, किसी न तो किसी कारण से प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं, कर्ज की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा और साथ में जो है मानसिक तनाव, लव रिलेशन में खराबी और शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। मेरा एडवाइस क्या है कि 1 से लेकर के 16 तारीख के मध्य में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह नीच का शुभ फल तो नहीं देता है, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा जो है बुध आपकी कुंडली में जो है रिश्तेदारों से और भाई बहनों से और सरकार के लोगों से पैसे से रिलेटेड मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, आपको सावधान रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे होनी चाहिए। कोई भी प्लानिंग को आपको बहुत अच्छे से सेट करना चाहिए, आलस्यपन को त्याग करना चाहिए, आलस्यपन ही आपको कभी कभी लेकर के डूबता है मकर लगन और मकर राशि वाले। फिर भी चाहते हैं कि बुध के बल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो रिक्वेस्ट यही है कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य में प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है ना आप पिस्ता बादाम का सेवन अवश्य कीजिए, या फिर नहीं कर पाते तो 1 से 16 तारीख के मध्य में आप गणेश जी को लड्डू कंटिन्यू भोग लगाइए, एक ही पक्ष चढ़ाइए लेकिन अवश्य चढ़ाइए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के धन स्थान में निचस्थ हो जाएंगे और बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, ओवर कॉन्फिडेंट बनाने का प्रयास करेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, याद रखिएगा। जब इंसान अत्यधिक ज्ञानी होता है तो उस समय शांत हो जाता है, और जब ज्ञान जो है उबाल मारने लगता है तो ये अस्थिरता उत्पन्न करता है। मन जो है वो चंद्रमा नियंत्रित करता है, लेकिन मन के अंदर जो हलचल है इसको बुध नियंत्रित करता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि किसी भी सिचुएशन में वाणी पर नियंत्रण रखना है, नाजायज रिश्तों से बचना है, क्योंकि नाजायज रिश्ते अगर आपके चल रहे थे तो वो दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं, या फिर नए कुछ लोग आपको परेशानी के लिए जुड़ सकते हैं आपके पीछे। इसके अलावा नौकरी में परिवर्तन, फंस सकते हैं आप, हड़बड़ी में आकर के कोई भी डिसीजन मत कीजिएगा 1 से 16 अप्रैल के मध्य में। इसके अलावा जो है किसी भी सिचुएशन में जो है आपको मानसिक शांति बना करके रखनी चाहिए। लव रिलेशन में आपको विवाह की बात अगर चल रही है तो उनके परिवार वालों के सामने ईगो नहीं दिखाना है, शांत रहना है। इसके अलावा लॉटरी सट्टा जुआ और शेयर मार्केट में नुकसान की संभावनाओं को बढ़ाएगा ये। शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, पेट में, दांतों में, पैरों में कष्ट की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जो है बुध जो है आपको मानसिक तनाव दे सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई बड़े नौकरी वगैरह के वेटिंग लिस्ट पे है तो बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में सभी लोगों से मित्रवत संबंध आपको रखना चाहिए, किसी भी स्थिति में अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना है, ससुराल से मतभेद की स्थितियों को बचाना है। हालांकि देखिए बुध की सातवीं दृष्टि स्वयं अपनी राशि पे और भी उच्च दृष्टि पे, तो ये कुछ मामलों में लाभकारी रहेगा, जैसे कि आप पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में, या ससुराल पक्ष से सेपरेटेड होना चाहते हैं तब तो ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि 1 से 16 तारीख के मध्य में कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, समय को पार कीजिए। अगर वक्त खराब है तो उसको पार कीजिए, वक्त अच्छा है रिस्क लीजिए, यही एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का नियम होता है। फिर भी चाहते हैं कि बुध के बल को और बहुत ही बढ़िया बनाना, तो मैं यही बोलूंगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले 1 तारीख से 16 तारीख के मध्य में पान पत्ता पे 1 पीस सुपारी रख करके प्रत्येक दिन जो है ना आप गणेश जी को अर्पित करिए। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली के लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे और बुध आपकी कुंडली में मार्केश भी है। मार्केश तत्व ग्रह जब निचस्थ हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है वो सुख फलदायी तो नहीं ही रहेगा ना।
अब यहां पे बुध जो है आपके माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, एक तारीख से 16 तारीख के मध्य में। मेंटल टेंशन देगा, भावुकता और दयालु बस किसी को पैसे दीजिएगा फंस जाएंगे। कुछ ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे पार्टनरशिपिंग करो, इन्वेस्ट करो, हम व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो अपना जॉब करो या कोई बिजनेस करो। तो ऐसे दुष्ट लोगों के और धूर्त लोगों के चक्कर में नहीं फंसिएगा, क्योंकि बुध ऐसा करवाएगा 1 से 16 तारीख के मध्य में। 1 से 16 तारीख के मध्य में विवाह के लिए जो रिश्ते आएंगे वो अच्छे रहेंगे, लव रिलेशन में सुधार अच्छा दिखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था तो उसमें रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जो नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी लाभ की स्थितियों को यह दिखाने वाला रहेगा, यानी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा 1 से 16 तारीख के मध्य में। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते भी मिलेंगे, लेकिन मां से अस्वस्थता, गलत प्रॉपर्टी में पैसा व्यय हो सकता है। बिना सोचे समझे दूसरों को पैसे दीजिएगा, वो भाग जाएगा लेकर के। इसके अलावा जो है मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और कर्ज की स्थितियों में थोड़ा सा वृद्धि हो सकता है। कुछ लोग आपको अपमान करेगा, बदनाम करेगा, डिप्रेशन में चलेगा। तो मैंने क्या कहा, नीच का है बुध, तो नीच का बुध जो है तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। कोई कुछ भी बोल दे इतना मानिएगा आप हाथी हैं बाकी कुत्ता है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए आप तो थोड़े इमोशनली और ब्लैकमेल भी होते हैं ना, तो क्या करना है कि इमोशनल भी नहीं होना है। बुध केवल को बढ़िया बनाना है, मानसिक शांति फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि लग्न पे नीच का हो रहा है। दूसरी बात जो है बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। और तीसरी बात, 1 तारीख से 16 तारीख के मध्य में दुर्गा चालीसा या फिर ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप कंटिन्यू करिए, एकदम सही डिसीजन की ओर लेकर के जाएगा और रास्ते अच्छे खुलेंगे, ये मेरा दावा है। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न के मध्य में संपूर्ण बुध का गोचर का एक निश्चित तौर पे एक अच्छी वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, यही मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं। धन्यवाद।